बॉलीवुड में हमेशा ट्रांसजेंडरों का किरदार मर्दों ने ही प्ले किया है। यह पहली बार होगा जब कोई फीमेल ट्रांसजेंडर का किरदार निभाएंगी। फिल्म ताली के लिए हामी भरने में सुष्मिता सेन को कई लंबा समय लगा है। लगभग 6 महीने के बाद सुष्मिता सेन इस किरदार से जुड़ी थी। फिल्म मेकर अर्जुन कार्तिक ने इस बातचीत के दौरान कई बड़े खुलासे किए। आपको बता दें, सुष्मिता सेन की अपकमिंग सीरीज ताली का ट्रेलर आ चुका है। एक बार फिर से सुष्मिता लीक से हटकर एक अनोखी कहानी का हिस्सा बनने जा रही है। सुष्मिता सेन इस फिल्म में ट्रांसजेंडर गौरी सावंत के किरदार में है। ट्रेलर रिलीज के बाद ही ताली को सुष्मिता के करियर का सबसे दमदार किरदार बताया जा रहा है। आपको बता दें, इस फिल्म के लिए हामी भरने में सुष्मिता सेन को एक लंबा समय लगा था। लगभग 6 महीने के बाद सुष्मिता सेन इस किरदार से जुड़ी हुई थी। फिल्म के मेकर अर्जुन कार्तिक ने एक बातचीत के दौरान फिल्म से जुड़े कई खुलासे किए हैं। उन्होंने बताया कि जब हमने सुष्मिता सेन से इस फिल्म के बारे में बात की तो उन्हें पता था कि यह फिल्म ट्रांसजेंडर पर बेस्ड है। तब से लेकर वो इस कहानी को लेकर उत्सुक थी। वो 6 महीने तक स्क्रिप्ट पढ़ती रही थी और कह रही थी कि मुझे स्क्रिप्ट तो बहुत पसंद आई है, लेकिन मैं उस गहराई से समझना चाहती हूँ। वो लगातार 6 महीने तक स्क्रिप्ट पढ़ती रहती थी और इतना रट चुकी थी कि अब सेट पर कहानी में कोई बदलाव होता देख वो खुद कहती थी कि अरे ये तो बदल दिया गया। हर तरफ इस फिल्म को लेकर काफी चर्चा हो रही है। बॉलीवुड में ये पहली बार है जब कोई महिला ट्रांसजेंडर का रोल निभाती हुई नजर आएंगी। सुष्मिता सेन खुद एक माँ है, वो अपने बच्चों के काफी करीब है, इसलिए पहले दिन से ही उनकी चॉइस सुष्मिता सेन ही रही। आप भी देखिए इस फिल्म की कुछ झलक। तुम चिस्त्री गौरी सावंत, जिसे कोई हिजड़ा कहता है तो कोई सोशल वर्कर, कोई नौटंकी बुलाता है तो कोई गेम चेंजर। ये कहानी इसी सफर की, गाली से ताली तक। जो लोग अपनी असलियत दिखाने से डरते हैं ना, वो कभी जीतते नहीं बाबू। स्वाभिमान, सम्मान, स्वतंत्रता, मुझे ये तीनों चाहिए। बॉलीवुड में हमेशा ट्रांसजेंडरों का किरदार मर्दों ने ही प्ले किया है। यह पहली बार होगा जब कोई फीमेल ट्रांसजेंडर का किरदार निभाएंगी। फिल्म ताली के लिए हामी भरने में सुष्मिता सेन को कई लंबा समय लगा है। लगभग 6 महीने के बाद सुष्मिता सेन इस किरदार से जुड़ी थी। फिल्म मेकर अर्जुन कार्तिक ने इस बातचीत के दौरान कई बड़े खुलासे किए। आपको बता दें, सुष्मिता सेन की अपकमिंग सीरीज ताली का ट्रेलर आ चुका है। एक बार फिर से सुष्मिता लीक से हटकर एक अनोखी कहानी का हिस्सा बनने जा रही है। सुष्मिता सेन इस फिल्म में ट्रांसजेंडर गौरी सावंत के किरदार में है। ट्रेलर रिलीज के बाद ही ताली को सुष्मिता के करियर का सबसे दमदार किरदार बताया जा रहा है। आपको बता दें, इस फिल्म के लिए हामी भरने में सुष्मिता सेन को एक लंबा समय लगा था। लगभग 6 महीने के बाद सुष्मिता सेन इस किरदार से जुड़ी हुई थी। फिल्म के मेकर अर्जुन कार्तिक ने एक बातचीत के दौरान फिल्म से जुड़े कई खुलासे किए हैं। उन्होंने बताया कि जब हमने सुष्मिता सेन से इस फिल्म के बारे में बात की तो उन्हें पता था कि यह फिल्म ट्रांसजेंडर पर बेस्ड है। तब से लेकर वो इस कहानी को लेकर उत्सुक थी। वो 6 महीने तक स्क्रिप्ट पढ़ती रही थी और कह रही थी कि मुझे स्क्रिप्ट तो बहुत पसंद आई है, लेकिन मैं उस गहराई से समझना चाहती हूँ। वो लगातार 6 महीने तक स्क्रिप्ट पढ़ती रहती थी और इतना रट चुकी थी कि अब सेट पर कहानी में कोई बदलाव होता देख वो खुद कहती थी कि अरे ये तो बदल दिया गया। हर तरफ इस फिल्म को लेकर काफी चर्चा हो रही है। बॉलीवुड में ये पहली बार है जब कोई महिला ट्रांसजेंडर का रोल निभाती हुई नजर आएंगी। सुष्मिता सेन खुद एक माँ है, वो अपने बच्चों के काफी करीब है, इसलिए पहले दिन से ही उनकी चॉइस सुष्मिता सेन ही रही। आप भी देखिए इस फिल्म की कुछ झलक। वेलकम टू के मॉल, a premium project by Kaleen Group. K-Mall is in the heart of Kolkata's electronic, garment and lifestyle hub, Khidirpur. K-Mall, which is designed as a world-class mall, is the outcome of endless effort of our experts, combined with modern superb techniques and new-age design. Book now